नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। में राहुल ओशाप के साथ नीट पेपर लीक कांड में आरोपियों से पूछताछ जारी है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम आज भी पूछताछ कर रही है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है, तो वहीं वाइस प्रिंसिपल से भी सीबीआई सवाल कर रही है। एहसानुल हक, इम्तियाज और जमालुद्दीन से पूछताछ हुई है। इसके साथ साथ चिंटू, मुकेश, मनीष प्रकाश और आशुतोष से भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। तो सीबीआई दफ्तर में अधिकारियों की लगातार आवाजाही देखने को मिल रही है। तो लगातार सवालों के बौछार है उन आरोपियों पर जो इस कांड से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप इस पेपर लीक कांड को लेकर के लगे हैं। और ऐसे में सीबीआई लगातार एक्शन में नजर आ रही है। पटना संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी पूछताछ को लेकर के क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, आज भी पूछताछ चल रही है और सात जो आरोपी हैं, जो एसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक अंशक जमालुद्दीन, इसके अलावा जो मनीष प्रकाश है, आशुतोष कुमार है, पहले से रिमांड पर लिया गया चिंटू जो है, उसके अलावा एक और शख्स जो है, इन सभी से सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ करी। कई बार अलग अलग पूछताछ की गई, अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर दी, चूंकि ये पहले से तय माना गया है कि जो ओएसिस स्कूल है वहीं से परीक्षा सेंटर था, वहीं से क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर चिंटू के मोबाइल पर कैसे पहुंचा, आंसर शीट कैसे पहुंचा, अब दोनों को आमने सामने भी बिठाकर पूछताछ की गई। कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार का मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया था सीबीआई की टीम ने, और उससे कई क्लू भी सामने आए थे, तो उस पर भी पूछताछ चल रही है। और इसके अलावा बेऊर जेल में भी जो 13 आरोपी बंद है उनसे भी आज पूछताछ दूसरे दिन भी की जाएगी, क्योंकि इसको टाइम फ्रेम में नहीं रखा गया है। बेऊर जेल में जो आरोपी पकड़े गए जिन्हें पटना पुलिस ने अरेस्ट किया था, इनसे सीबीआई कभी भी पूछताछ कर सकती है। इस तरह का फ्रीडम सीबीआई की टीम को मिलेगा। दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम पहुंचेगी, 10:40 के आसपास टीम पहुंचेगी और उनके वकील होंगे, आज फिर से पूछताछ होगी। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहां जो सोलवर बैंक गैंग ने जो क्वेश्चन पेपर आउट किया था और इनके क्या आपस में ताल्लुक रहे हैं और किस तरीके से इनका संबंध रहा है, इसको भी अब सीबीआई ने खंगालना शुरू किया है। तो कुल मिलाकर 20 आरोपियों से सीबीआई की टीम एक साथ पूछताछ कर रही है। 13 बेऊर जेल में है और 7 सीबीआई के रिमांड पर है। तो अब तक ये सबसे बड़ी पूछताछ शुरू हो गई है। देखना होगा दूसरा दिन है और क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, नीट पेपर लीक कांड मामले में आज भी सभी आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी। बेऊर जेल में बंद सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। आज दूसरा दिन इस पूछताछ का, कल भी पूछताछ हुई थी बेऊर जेल में और आज दूसरे दिन भी सीबीआई पूछताछ करेगी। 10 बजे के बाद ये पूछताछ शुरू होने की बात कही गई थी। सीबीआई के अधिकारी सवालों की नई लिस्ट लेकर के आज बेऊर जेल पहुंचे हैं। तो सीबीआई के वकील के साथ बचाव पक्ष के वकील की भी इस दौरान मौजूदगी होगी। हालांकि बचाव पक्ष के वकील इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन इस सवाल जवाब के दौरान उनकी मौजूदगी जरूर होगी। तो देखिए, आज नए सवाल है और नई सवालों की लिस्ट है जिसको आज आरोपियों के सामने रखा जाएगा। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, कल भी बेऊर जेल में पूछताछ हुई थी, आज की क्या तैयारी है सीबीआई की तरफ से? देखिए, सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो जो ऑर्डर मिला है उसके तहत जो है कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद कल भी पहुंचे थे और आज भी सीबीआई के अधिकारी जो है वो बेऊर जेल पहुंच चुके हैं और दोनों ही पक्ष के वकील, चाहे वो सीबीआई के वकील हों या फिर बचाव पक्ष के वकील हैं, वो भी वहां पे मौके पे मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट हैं और उनके समक्ष जो है जो आरोपी हैं, सभी जो बेऊर जेल में बंद आरोपी हैं सभी से पूछताछ शुरू हो चुकी है और ये पूछताछ की अवधि जो है वो शाम तक की होगी। और जैसा कि कल लंबी फहरिस्त सवालों की लेकर के सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे, जिसका अमूमन कमोवेश जवाब जो है वो सीबीआई ने हासिल की और आज फिर से जो है नए सवालों की सूची लेकर के, लिस्ट लेकर के सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि ये पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो लंबी चलेगी और तमाम जो तथ्य हैं जो अब तक चाहे वो पटना पुलिस ने, चाहे वो ईओयू ने या सीबीआई ने खुद गैदर किए हैं, सभी से रिलेटेड जो सवाल है वो किए जा रहे हैं और उनका जवाब, माकूल जवाब जो है वो जब तक नहीं प्राप्त कर लेगी सीबीआई तब तक ये पूछताछ होगी। फिलहाल कोर्ट से इजाजत मिली है उसके तहत पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम बताते चले कि सीबीआई जो कार्यालय है पटना में, यहाँ कुल 7 जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की गई, अलग अलग कमरों में बैठा करके पूछताछ किया गया और आज सुबह से जो पूछताछ शुरू हुई है तो उसमें दो दो लोगों को कोलैब करके पूछताछ किया जा रहा है।
यानी कि अगर बात करें कि जो हजारीबाग के स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो और यहाँ पे चिंटू दोनों को साथ बैठाया गया। आज उसी तरह जो है मुकेश को और जो दूसरे वाइस प्रिंसिपल थे उनको एक साथ बैठाया गया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो सीबीआई कार्यालय में आज सीबीआई के अधिकारी जो है उन तमाम आरोपियों से कर रहे हैं जिन्होंने जवाब दिया है और सीबीआई संतुष्ट नहीं है, तो जो जवाब जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं उसी के लिए आज एक साथ संयुक्त रूप से दो दो लोगों को बैठा करके पूछताछ किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए आपने ये कहा और इन्होंने ये कहा, ऐसा फर्क क्यों आ रहा है दोनों की बात में। तो उस पे जो नए सवाल हैं उसको लेकर के सीबीआई के अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं और आज ये जताई जा रही है कि पूछताछ में नए तथ्य सामने आएंगे और उसके आधार पे आगे नए एक्शन भी देखने को मिलेंगे। तीसरी तरफ अगर हम बात करें इस बड़े मामले में तो जो संजीव मुखिया है या फिर जो फरार हुआ है रांची का जो अभियुक्त है रॉकी जो फरार हुआ है और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि नेपाल गया हुआ है, छुपा हुआ है नेपाल में जाके, तो उसकी भी जानकारी जो है वो सीबीआई अपने स्तर से इंटरपोल के जरिए जो है वो हासिल कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी कब तक होगी ये देखना अहम होगा, मगर जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो सीबीआई बेहद कह सकते हैं कि सुलझे तरीके में तमाम जो जो पूछताछ का तौर तरीका होता है जांच एजेंसियों के उसके तहत ये पूछताछ कर रही है। चलिए शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस पेपर लीक कांड में अब तक की सबसे बड़ी पूछताछ सीबीआई की अलग अलग टीम कर रही है। एक टीम पटना के बेउर जेल में 13 आरोपियों से पूछताछ में लगी है, जबकि रिमांड पर लिए गए 7 आरोपियों से सीबीआई की अलग अलग टीम में पूछताछ करने में लगी हुई है। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जमालुद्दीन के अलावा मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार के रिमांड का दूसरा दिन है। इन सभी आरोपियों से सीबीआई की टीम कभी साथ साथ तो कभी अलग अलग पूछताछ में लगी है। सीबीआई हर हाल में रॉकी और संजीव मुखिया तक पहुंचना चाहती है। एक साथ 20 आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी सीबीआई की टीम बिहार के सॉल्वर गैंग के सदस्यों के दूसरे राज्यों के सॉल्वर गैंग के पकड़े गए लोगों से संबंधों की भी छानबीन कर रही है। सीबीआई कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। कांड में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस पूरे मामले में सीबीआई की एक टीम पटना के बेउर जेल में 13 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं सीबीआई के इस कार्यालय में जो 7 आरोपी हैं जो रिमांड पर लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। यानी कुल मिलाकर 20 आरोपियों से सीबीआई की टीम पूछताछ करने में लगी हुई है। यहाँ पर जो 7 आरोपी हैं उसमें ओएसिस स्कूल हजारीबाग के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जमालुद्दीन नामक एक शख्स है। इसके अलावा अमित प्रकाश और आशुतोष कुमार जो पटना से गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी रिमांड पर लेकर सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। साथ ही जो दूसरे शख्स हैं चिंटू, बलदेव और मुकेश, उनको पहले से ही सीबीआई ने रिमांड पर ले रखा है और इन सभी से कभी अलग अलग और कभी आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। दरअसल ये पहले से ही तय था कि ओएसिस स्कूल से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था और ये प्रश्न पत्र आया था चिंटू उर्फ जो संजीत जो बलदेव है उसके मोबाइल पर। ये प्रश्न पत्र कैसे आया था, इन दोनों का क्या संबंध है, बीच में जो रॉकी है उसकी क्या भूमिका है, इन सभी पहलुओं पर जांच और पूछताछ फिलहाल चल रही है और निश्चित तौर पर सीबीआई की टीम उन सारे फैक्ट्स को खंगालना चाह रही है जो अब तक एविडेंस के तौर पर सामने आए हैं। इसके अलावा जो अमित प्रकाश है और आशुतोष कुमार है जिनका मोबाइल सीबीआई ने जब्त किया है उस मोबाइल से भी कई क्लू निकले हैं और इन दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई है। इन दोनों का चिंटू और बलदेव से क्या संबंध है, सीबीआई इस फैक्ट को भी खंगाल रही है। तो अब धीरे धीरे जांच में तेजी आई है और कई अहम पहलू जो है सीबीआई ने खंगाल लिए हैं। सबसे बड़ी बात रॉकी, ये रॉकी कौन है जिसके मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर आया था और ये क्वेश्चन पेपर रॉकी से चिंटू उर्फ बलदेव के पास पहुंचा था। संजीव मुखिया जो है उसका क्या रोल रहा है, तमाम ऐसे जो पहलू हैं अब वहां तक सीबीआई पहुंचना चाह रही है। और चूंकि ये अब तक संजीव मुखिया और रॉकी गिरफ्त में नहीं आए हैं तो उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है इसके लिए भी सीबीआई अपनी कोशिशों में जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जो सिकंदर यादवेंदु है उसका किस तरीके से इनसे संबंध है इस बारे में भी सीबीआई जो है वो जानकारी हासिल कर रही है। तो कुल मिलाकर अब नीट पेपर लीक कांड मामले में अब तक की सबसे बड़ी पूछताछ 20 आरोपियों से पूछताछ जो है वो सीबीआई की टीम कर रही है और निश्चित तौर पर इनसे जो क्लू आएगा उसके बाद अनुसंधान में काफी मदद मिलेगी।
ऐसा सूत्र भी बता रहे हैं। और देखना होगा ये जो पूछताछ चल रही है, ये जो कार्रवाई चल रही है, इससे सीबीआई किस मुकाम तक पहुंचती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जेडीयू नेताओं में एक नई ऊर्जा आ गई है। कार्यकर्ताओं में खुशी के साथ उत्साह और जोश भर गया है। और इतने ही उत्साह से भरे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने अभी से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी के साथ रहने की नीतीश ने तीसरी कसम भी खाई। रिपोर्ट के जरिए समझिए 25 के लिए नीतीश ने 24 में ही क्यों किया प्लान तैयार। उत्साह में नीतीश कुमार है, उत्साह में जेडीयू है, उत्साह में जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता है, उत्साह में जेडीयू के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर हैं, उत्साह में लोकसभा में जेडीयू के नेता बनाए गए दिलेश्वर कामैत हैं, तो उत्साह में राज्यसभा में पार्टी नेता बनाए गए संजय झा हैं। 2025 चुनाव की दुकानी तैयारी के लिए अब पार्टी को मिल गया है नया कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। बात करते हैं जेडीयू के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से। संजय जी, आज बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, नीतीश कुमार ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जिम्मेदारी, क्या कहेंगे आप? मैं अपने नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा भरोसा उन्होंने जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का कोशिश प्रयास करूंगा और पार्टी बिहार के बाहर भी, नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है इस बिहार के लिए, अगर बिहार को ट्रैक पे लाए, बिहार का भला किए, तो जिसका मतलब देश का भला किए। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों से लाद दिया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जो जेडीयू 2020 में महज 44 सीटों पर सिमट गई थी, नीतीश कुमार ने इस चुनाव परिणाम को एक सदमे की तरह लिया था, लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूमा। बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती पर किसी को शक ना हो, इसलिए नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि जो गलती पहले हो गई अब उसे दोहराया नहीं जाएगा। वो बीजेपी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और कार्यकारिणी की बैठक में भी तीसरी कसम खाई, यानी आखिरी कसम खाई कि चाहे परिस्थिति जैसी भी आए, वो बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब पार्टी का अटूट रिश्ता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बता दिया कि दो बार के घटनाक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि अब वह गलती नहीं होनी है, तो स्वाभाविक रूप से ये एनडीए के हम घटक दल हैं और जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे, दूसरे राज्यों में भी, तो एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। और इंडी गठबंधन वाले को समझ में आता था कि नीतीश कुमार जी तो कुछ नहीं है, अब हमारी उपयोगिता कैसी लगी, तबीयत ठीक है ना? इंडी गठबंधन के घटक दल बहुत परेशान हैं। आज नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा बेचैन हो रहे हैं। नीतीश कुमार एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ एक तरफ जहां पार्टी में फिर से नई जान फूंक रहे हैं, तो अपने सबसे भरोसेमंद साथी बीजेपी के साथ दोस्ती को और गहरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दोस्ती बिहार विधानसभा चुनाव में विरोधियों को सियासी मात देने में काम आए। दानापुर के खगौल में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी मां के साथ शिव मंदिर में पूजा की। नेवरा कॉलोनी में चिराग पासवान ने बाबा योगेश्वरनाथ धाम मंदिर में पूजा की। चिराग पासवान ने कहा कि महादेव में उनकी पूरी आस्था है, जीवन के संघर्ष के दिनों में सिर्फ उन्हीं का साथ है, महादेव की वजह से आज यहां तक पहुंचा हूं। वहीं लालू प्रसाद के पोस्ट पर कहा कि अयोध्या वालों ने बीजेपी को सबक सिखाया। चिराग पासवान ने कहा कि इस पर मंथन करने की जरूरत है, आखिर कहां चूक हुई। वहीं सदन को बाधित करने के सवाल पर चिराग ने कहा कि ये विपक्ष की गलत सोच है, सदन चलेगा तभी विपक्ष भी अपनी बात रख पाएगा। है मेरा विश्वास है, आस्था, महादेव ने मुझे बहुत कुछ दिया, महादेव की वजह से ही आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। जीवन के अपने संघर्ष के दिनों में सिर्फ उन्हीं का ही मुझे साथ था, तो ऐसे में सिर्फ उनका धन्यवाद करने आया हूँ। क्यों किया है? उन्होंने कहा है कि अयोध्या वालों ने सबक सिखाया है,
भाजपा को? बात सबक की नहीं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, बट हाँ इस बात का हम लोगों को मंथन करने की जरूरत है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जहाँ उनके इतने भव्य मंदिर का हम लोगों ने मिलकर निर्माण किया, ऐसे में कहाँ गलती हुई कहाँ चूक हुई, मुझे लगता है उसका अध्ययन किया जाएगा। क्या कह रहे सदन चलने नहीं दे रहे विपक्ष वाले? ये गलत सोच है। अगर आपकी कुछ चिंताएं भी हैं किसी भी विषय को लेकर, कम से कम सदन चलना चाहिए। सदन चलेगा तो विपक्ष भी अपनी बातों को। बिहार में मॉनसून अब पूरी तरीके से सक्रिय दिख रहा है। आज सुबह से ही पटना समेत बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बेहद सुहावना बना हुआ है राजधानी पटना में, तेज बारिश हो रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये बारिश जो है गर्मी की उमस को खत्म किया है इसने। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ी हुई है और इसी के कारण आज यानी 30 जून और 1 जुलाई को पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में गरज और तड़क के साथ बादल गरजने और बारिश होने की संभावना जताई गई थी। पश्चिम चंपारण जिले के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो यहाँ अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि औरंगाबाद और नवादा में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना के साथ ही रोहतास, किशनगंज, आरा, बक्सर, सिवान में बारिश से लोगों को राहत मिलने की खबर सामने आ रही है। और बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो किशनगंज जिले के पोठिया में 46.2 मिलीमीटर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में भी बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में 35.2, इसके अलावा हाजीपुर में 28.3, मुंगेर में 15.0, किशनगंज में 6.4 मिलीमीटर, जहानाबाद के हुलासगंज में 4.2 मिलीमीटर, भागलपुर के कोलगांव में 2.8 मिलीमीटर, किशनगंज के ठाकुरगंज में 2.4 मिलीमीटर जो बारिश है वो उसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो बारिश जो है निश्चित तौर पर इसकी प्रतीक्षा थी लोगों को, और बारिश जिस तरीके से हो रही है लोग कहीं ना कहीं सुकून महसूस कर रहे होंगे, राहत महसूस कर रहे होंगे। और राजधानी पटना का मौसम सड़कों पर आप देख सकते हैं, लोगों की आवाजाही तो बंद है, गाड़ियां जरूर चल रही हैं, तस्वीरों में दिखाएं कैमरा पर्सन दीपक जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन छिटपुट गाड़ियां चल रही हैं। कई गाड़ियों के रेड लाइट जो है वो भी ऑन है, आप देख सकते हैं जो गाड़ियां उधर से आ रही हैं उनके रेड लाइट भी ऑन है। तो निश्चित तौर पर इस बारिश का मजा राजधानी पटना के लोग ले रहे हैं और लुत्फ उठाने में लगे हैं। देखना होगा बारिश कब तक होती है और किस कदर मॉनसून जो है वो राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में दूसरे जिलों में सक्रिय बना रहता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश से नेपाल से निकलने वाली नदियां उफान पर है। किशनगंज में कनकई रतुआ नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है। बहादुरगंज और टेढ़ागाज प्रखंड में कटाव की स्थिति है। बहादुरगंज प्रखंड के सतनेरी गांव में पिछले साल भी कई घर नदी में समा गए थे। यहाँ के लोग नदी के बढ़े जलस्तर से भयभीत है कि कहीं पानी इस बार भी घर में ना घुस आए। अब बढ़ते आगे बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर दानापुर से ये खबर है। नौबतपुर में ग्रामीणों ने प्रेमी को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दोनों की जबरन शादी करा दी। मंदिर में खरमास महीने में ग्रामीणों ने बिना शुभ मुहूर्त के दोनों की जबरन शादी करा दी। पिछले 5 साल से प्रेमी जोड़े के बीच अफेयर चला आ रहा था। बीती रात दोनों को आपत्तिजनक हालत में ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शादी कराने का फैसला ले लिया। शादी की बात सुनकर लड़के ने इनकार कर दिया, लेकिन ग्रामीणों ने जबरदस्ती दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद लड़की काफी खुश है, लेकिन लड़के का कहना है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कैसे जानती थी इसे? रिलेशन में आप कैसे नहीं जाने? कौन रिलेशन में? कैसा रिलेशन में? एक थोड़ा शांत रहो। मेरे भैया के कोई लगते हैं। अच्छा, कितने दिन जानते हैं इसको? 5-6 साल से। तो आज क्या हुआ? यहाँ पे घर पे बोले, घर पे चलना है तो घर पे आ रहे थे।